चलिए सर अगला आ गया हमारा शेयर इशू टू अंडर राइटर अंडर राइटर की बात कर लेते हैं सर आ गया हमारा शेयर इशू टू अंडर राइटर अंडर राइटर चलिए सर अब मान लो एक कंपनी दैट इज एग्जाम्पल लेते हैं पी क्यू पहले आप समझ ले अंडर राइटर होता क्या पी क्यू आर लिमिटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं सर पी क्यू आर लिमिटेड जो है ना वो क्या चाहता है कि हम अपने शेयर को इशू करें उसके शेयर को इशू करें लेकिन जब ये चाहता है कि उसके शेयर को इशू करें तो उसके मन में एक डर है उसके मन में एक डर है कि वो शेयर इशू करेगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो शेयर फेल हो जाए शायद ऐसा हो सकता है कि वो शेयर ना इशू कर पाए ऐसा कौन सा कंडीशन है जब वो अपने शेयर इशू नहीं कर सकता जब उसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए दैट इज उसके ऊपर बाउंडेशन कितना है अगर वो 90 परसेंट बेचने में सफल नहीं हो पाया वो 90 परसेंट शेयर नहीं बेच पाया तो लॉ कहता है भैया तू शेयर इशू नहीं कर सकता अगली बार ट्राई करियो अब इसलिए ये क्या करता है आपको जैसे मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लू आपको कोई भी काम करना है Uh, मैं बिल्डिंग बनाने की बात करता हूँ आपको बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाना है ठीक है तो अगर जल्दी से जल्दी बनाना है तो आप कैसे बनाओगे बिल्डिंग को कोई ना कोई तो तरीका होगा ठीक है यानी आप एम्प्लॉई ज्यादा या कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि मुझे एक गारंटी दे दे एक श्योरिटी दे दे कि भाई तेरा बिल्डिंग चार महीने में बना के तैयार कर देंगे तो हमें इतने पैसे दे दे तेरा बिल्डिंग चार महीने में बनकर तैयार हो जाएगा या आपको कोई काम भी करवाना होगा ना जनरली तो आप ऐसा बंदा सोचोगे जो कुछ पैसे ले ले और मेरा ये काम कर दे कोई भी काम अगर ऐसा है कोई आ, काम वैसे जनरली तो जो हमसे हो सकता है हम खुद ही कर लेते हैं जैसे आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हो सर्विस सेंटर जाना है यहां जाना एक बंदे ने बोले भाई मेरे को तीन सौ रुपए दे मैं तेरा काम यहीं भी बैठे बैठे कर दूंगा तो आप प्रिफेर करते हो कि यार तीन सौ रुपए दे टेंशन खत्म हो यहीं बैठ के कौन लाइन में धक्के खाएगा ये होगा सेम ऐसे कंपनी के को भी एक जरूरत है ऐसे व्यक्ति का ऐसे ठेकेदार का जरूरत है का जो की बोले भाई मैं तेरे सारे के सारे की मेरी है करनी ही करनी की। अगर वो बोलता है कि मैं तीन सौ रुपए लेता हूं तेरा आधार कार्ड अपडेट कर दूंगा फिर कल बोले तेरे से नहीं यार तो मैं तेरे से पांच सौ रुपए लूंगा अब तो, तो आप बोलेगा जो बात हुई थी वही दूंगा मैं पांच सौ थोड़ी ना दूंगा कल के दिन बोलेगा कि यार मैं अब नहीं कर पाऊंगा तो आप बोलेगा पहले बोलना चाहिए मैं आधार कार्ड सेंटर जाके करा लेता ठीक है तो यानी एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे बंदे ठेकेदार को ढूंढना होगा जो करेंगे और अगर यहां पे ये कंडीशन है कि भाई कंपनी के बहुत सारे शेयर होते हैं मान लेते हैं एक करोड़ शेयर है और दस रुपए का एक है वैसे एक करोड़ नहीं होता एक करोड़ से बहुत ही ज्यादा होता है शेयर एक करोड़ शेयर है दस रुपए का एक है तो दस करोड़ के शेयर तो ऐसा व्यक्ति ही ठेकेदारी ले सकता है इसका कि मैं तेरे दस करोड़ शेयर बिकवा दूंगा अगर नहीं बिके तो मैं खरीद लूंगा बात खत्म यही हो सकता है तो इस ऐसे सिचुएशन में जो पैसा एक्स्ट्रा होता है वो होता है जनरली किसके पास सर बैंक के पास बैंक के पास खूब सारा पैसा होता है ना तो बैंक जैसे आप मान लो आईसीआईसीआई या फिर मान लो स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक तो ये कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक है जिनका यही काम है कि वो कंपनी से बोलती है कि तू टेंशन मतलब तेरे शेयर मैं बिकवा दूंगा बदले में अब ये जब ऐसा काम कर रहा है तो इसका भी तो फायदा होना चाहिए यानी बैंक कौन है सर बैंक ठेकेदार है बैंक कौन है ठेकेदार आप नॉर्मल वर्ड में देखो तो ठेकेदार का वर्ड सुना होगा आपने तो जो ठेका ले रहा है क्या करने का शेयर बिकवाने का तो बैंक है ठेकेदार और बैंक ने एक गारंटी ले लिया कि मैं तुम्हारे शेयर बिकवा दूंगा तो ठेकेदार हमेशा क्या कमाएगा सर यहां पे ठेकेदार हमेशा कमाएगा कमीशन क्या लेगा यहां पे कमीशन अब ठेकेदार जो कमीशन लेता है वो लॉ में डिफाइन है कि अगर आप डिबेंचर को बिकवाते हो तो आपका मैक्सिमम कमीशन 2.5 पॉइंट हो सकता है अगर शेयर बिकवाते हो तो उस केस में आपका मैक्सिमम कमीशन 5 परसेंट हो सकता है लॉ में डिफाइन है पहले से ही लेकिन हमें ये परसेंटेज पे नहीं जाना वो मैंने बता दिया जनरली आपको ठीक है तो सर कमीशन मिलेगा जितने शेयर होगा अगर मान लो मेरे एक करोड़ शेयर है तो इसको कमीशन मैंने पांच का फिक्स किया है तो एक करोड़ शेयर यानी दस करोड़ पे पांच परसेंट या एक करोड़ पे पांच परसेंट ही मान लो कि मैंने कमीशन देना है किसको देना है हमें जो ठेकेदार ले रहा है बैंक अब इसको मैंने ठेकेदार बोला और इसी को लॉ के लैंग्वेज में कंपनीज एक्ट में बोलते हैं भैया ठेकेदार थोड़ा सा ना ऐसा वर्ड हो जाता है जो कि आ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा इसका एक नाम बदल देते हैं इसको नाम रख देते हैं अंडर राइटर

तुझे क्या देना है यानी तेरा कमीशन देना है तो जो इसको देना है अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सो सोचू तो भैया मेरे लिए खर्चा है मुझे तुझे देना है क्या देना है अंडर राइटर कमीशन और लाइबिलिटी इसलिए कि मैंने अभी तेरे को पे नहीं किया तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा अंडर राइटर समझ में आ रही है इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं जैसे कि दस लाख रुपए का कमीशन है मैं यहीं पर ले लेता हूं एग्जाम्पल अंडर कमीशन रुपीज टेन लाख, टेन लाख एंड इशू शेयर बस इतना लिखा मैंने सर एंट्री अंडर राइटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर और हालांकि एक्सपेंस की जगह पे अच्छा वर्ड लगेगा कमीशन क्योंकि वो कमीशन बेस ही काम करते हैं कितने रुपए सर मैंने एग्जांपल में दस लाख लिखा है तो दस लाख ले, तो ले लिया आगे कहेंगे अंडर राइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब मेरे समझ से जो मेरी बात समझ में आ रही है यहां पे वो ये आ रही है मेरे समझ से क्या आ रही है सर वो मेरे समझ से ये बात आ रही है कि भाई साहब अंडर राइटर को कमीशन अब प्रीमियम पे भी दिया जा सकता था शेयर तो प्रीमियम के केस में सिंपल सा क्या है नंबर निकाल लोगे या वो कर लोगे जैसे वो है तो इसलिए मैं प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं कर रहा सर आपने इंडेक्स इंट्रोडक्शन की वीडियो में आज नहीं करी हा नहीं कराई आपने इंडेक्स इंट्रोडक्शन की वीडियो आज नहीं कराई शायद आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्या तो फिर फर्स्ट क्लास तो नहीं चल रही है, आगे चल रही है तो आपको ये लास्ट क्लास है एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर का अपलोडेड अपलोडेड आप मुझे अलग से बता देना अभी मैं देख लूंगा सर एक बार रिवाइज करा दो पूरा हाँ पूरा रिवाइज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा है अब पूरा का पूरा रिवाइज करने की अगर हम बात करें तो रिवाइज कहां से हमने स्टार्ट किया था यहां से किया था सर हाँ यहाँ पे हमने क्या करा था सर हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश अदर देन कैश के अंदर मैंने इस टॉपिक को चार पार्ट में बांट दिया पहला आप अगर कोई एक एसेट्स खरीदते हो तो उसको कैसे हम एंट्री करेंगे दूसरा अगर पूरा बिजनेस खरीद लेते हो तो कैसे एंट्री करेंगे तीसरा जब प्रमोटर को आपको शेयर देने हैं तो कैसे एंट्री करेंगे चौथा जब अंडर राइटर को उसके कमीशन के बदले शेयर देने हैं तो कैसे करेंगे तो पहला पार्ट को मैंने कुछ क्वेश्चन में बांट दिया जैसे कि पहला पार्ट था हमारा सर पहला पार्ट था वेन हम सिर्फ एक सिंगल एसेट्स खरीद लेते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट हो सकते हैं एसेट्स को जब खरीदा है तो जो आपने बदले में शेयर्स दिया है वो हो सकता है एट प्रीमियम पे हो या हो सकता है एट पार में हो और पैसे देने की बात हो तो हो सकता है कि सारे के सारे एसेट्स के बदले मैंने शेयर दिया हो और ये भी हो सकता है कि सारे एसेट्स के बदले नहीं कुछ पैसे कैश और कुछ एसेट्स के बदले हमने शेयर दे दिया तो सिंपल सी बात है हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हम वहां पे या तो जिस पार्टी से खरीदा है उसका नाम या फिर एक सिंपल अकाउंटिंग नाम रख देंगे वेंडर और अगली एंट्री में क्या करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इसके बाद अगर देखा जाए अगर मान लो कुछ पैसे पेमेंट किए हैं जैसे इसमें किया है तो मशीनरी टू वेंडर तो वही रहेगा अगली एंट्री में मशीनरी वेंडर टू इक्विटी शेयर और जितना पैसा दिया है वो आ जाएगा आपका कैश अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा वर्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्स पेबल अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं आगे तो प्रीमियम में एक सबसे बड़ा जो टेक्निकल पॉइंट आता है कि आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा जैसे मेरे क्वेश्चन में एक लाख दस हजार हमने फर्नीचर खरीदा और बदले में मैंने दस परसेंट प्रीमियम पे शेयर बेचा है दिया है उसको तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा एसेट्स का वैल्यू लेना है आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब कुछ चीजें माइनस प्लस हो रहा है बीपी और कैश तो उसको कर दीजिए उसके बाद डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तो जो ये नंबर निकल के आएगा इसी नंबर पर पूरा का पूरा काम होगा तो आप यहां पे देखोगे मैंने एंट्री क्या करा सर फर्नीचर अकाउंट पूरे एक लाख दस हजार फिर हमने क्या करा वेंडर अकाउंट डेबिट और जो नंबर हमने निकाला उसी से मल्टीप्लाई इक्विटी शेयर और नंबर निकाला उसी से मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम दूसरा अगर हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कुछ पेमेंट हमने कर दिया है तो फिर हमने नंबर निकाला नौ हजार और पूरी की पूरी एंट्री किससे करी हमने नौ हजार इसके बाद इसके अंदर देखा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर किसमें आ जाए पॉइंट में तो पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट को छोड़ देंगे और जब जनरल एंट्री करने जाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंस क्रेडिट साइड में हमेशा आएगा और डेबिट में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद हमने डिजिट छोड़ दिए हैं तो जब भी क्रेडिट में आएगा डिफरेंस तो उसको बैलेंसिंग फिगर कैश से मैच करके क्या करेंगे सर खत्म कर देंगे ये था हमारा प्रीमियम इसके बाद हमने बात करा सर बिजनेस परचेस करने का तो बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है उसकी सारी एसेट्स भी लेना और सारी लाइबिलिटी भी लेना और फिर उसे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स दे देना आपने बिजनेस परचेस कर लिया पैसे नहीं देना तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपका सारे के सारे एसेट डेबिट और सारे के सारे लाइबिलिटी अब यहाँ पे कन्... हो सकता है कि हमारे डेबिट में डिफरेंस आए डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल से मैच करना है और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व से मैच करना है जैसे इस वाले में गुडविल का डिफरेंस आ गया और उसमें कैपिटल रिजर्व ये भी पॉसिबल है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम के साथ हम ऐड करके वहां पे वेंडर की जगह पे लिखेंगे और इस वेंडर को हम एक और नाम जानते जानते हैं दैट इज अ आपका क्या नाम है इस वेंडर का परचेज Consideration. किस नाम से जानेंगे परचेज कंसिडरेशन इसके बाद हमने देखा सर प्रमोटर प्रमोटर कौन होता है जो सर कंपनी को पूरा बनाता है तो उसको बनाने से तक के और कंपनी बनने तक का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कंपनी को बनने को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस तो सिंपल से इसका एंट्री हमने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम पे होगा तो ये एंट्री कर देंगे आगे देखा जाए तो आगे क्या कहता है सर अगर हम अंडर की बात कर रहे थे अंडर कौन होता है जो हमारे शेयर बिकवाने की गारंटी लेता है इसके ऊपर कमीशन कितने परसेंटेज होता है सर पांच परसेंट इसके ऊपर कमीशन होता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर और हमारा ढाई परसेंट होता है इन केस ऑफ डिवेंचर ये मैक्सिमम है इससे ऊपर नहीं दे सकते आर्टिकल इससे कम जरूर दे सकते हो आप एक परसेंट कर दो डेढ़ परसेंट कर दो ये कर सकते हो ठीक है ना तो ये कमीशन स्लैब रहता है तो हमें कमीशन निकालने को कभी भी नहीं पूछा जाएगा हाँ जो अंडर वाला चैप्टर है उसमें कमीशन निकालना आएगा इसके बाद हमने एंट्री करा अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर राइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये ये पूरा का पूरा का हमारा पॉइंट हो गया आपकी किताब में मात्र तीन क्वेश्चन है क्वेश्चन 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 नंबर 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 मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि आपको करना है और मेरे पास स्लाइड में अभी अपडेट हो नहीं पाया तो फिर भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको सर क्वेश्चन नंबर नाइन और जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन फोल्डर बना के जो टफ टफ क्वेश्चन थे उसको मैंने डाल दिए हैं ठीक है ना वो पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया था और रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों का टाइम बचेगा उसके हिसाब से कर लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कोई मेरे से निकल ना जाए क्वेश्चन नंबर ये तो लेजर वगैरह आ रहा है ये इलेवंथ का खुल गया क्या हाँ इलेवंथ का है तो अब आएगा ये आपका फर्स्ट ईयर का शायद जी आरमूंगा और बुक जरूर से जरूर ले लें ले, लिंक दिया हुआ है टू सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 54 फोर इश्यू ऑफ शेयर प्रमोटर एट प्रीमियम कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद 10 है 10 से पहले 9 भी होगा ना भाई इशू शेयर एट डिस्काउंट नोट अंडर कमीशन ये रहा एट एट तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था नाइन से होगा मेरे ख्याल नाइन नाइन ढूंढो नाइन नाइन ये रहा नाइन अब मुझे ये सीधा के सीधा नाइन तो नहीं दिख रहा यही नाइन है देखो ये रहा नाइन इसको बड़ा कर देते हैं ये रहा आपके सामने नाइन क्वेश्चन मैंने दिखा दिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है इशू शेयर वेंडर इसने क्या करा उसका बिजनेस ही टुक टुक कर लिया रितिका ने गीतिका का बिजनेस टुक कर लिया बीस लाख रुपए के उसको दिया उसके बदले उसने एसेट्स खरीद लिए और कुछ लाइबिलिटी तो सन्डरी एसेट लाइबिलिटी गीति का और बैलेंस आ गया कैपिटल रिजर्व उसके बाद इसने एंट्री कर दी बहुत बेसिक्स है मैंने तो इससे ज्यादा ज्यादा करा दिया इसके बाद आ जाओ के टेन। टेन के अंदर केसेस बना के दे दिए दो वेंडर को एक में आपने क्या करा उसके जो पूर्णिमा सु आपका कंपनी लिमिटेड एक्वायर अब बिल्डिंग बिल्डिंग खरीद लिया ऑफिस का कॉस्टिंग पांच चालीस का और पेमेंट उसने चौवन सो पेड इक्विटी शेयर कर दिया सौ रुपए का एक जनरल एंट्री किए और डिटरमाइन द नंबर ऑफ इश्यू अगर प्रीमियम पे करे तो दोनों चीजें सिखा रखा है नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना सीख चुके हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सर कौन सा क्वेश्चन ये हम प्रमोटर को इशू कर रहे हैं शेयर तो इसमें अब जब ऐसा शेयर आएगा ना तो कुछ पार्ट हमारा नॉर्मल शेयर इशू होगा बाकी का पार्ट प्रमोटर का तो आप देखेंगे बिल्डिंग टू वेंडर ये वाला भी पार्ट आ गया गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी पार्ट आ गया जो एक्स्ट्रा लिया होगा एरियर वगैरह आ गया और एक प्रमोटर वाला भी एंट्री तो दिया नहीं यह क्वेश्चन में था ही नहीं प्रमोटर हम्म है एंट्री प्रमोटर का कहाँ पे है भाई कहाँ इसके बाद है कहाँ पे दिख रहा है मुझे दिख नहीं रहा थर्ड पॉइंट गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला हाँ ये गुडविल मेरे पास पुरानी बुक का होगा ये यही वाली बोल रहे हो ना क्या लिख रखा है बुक में टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ऊपर तो वो अपडेट होके इसमें आया नहीं होगा तो जैसे मैंने कराया आपको वैसे करना इनकॉरपोरेशन एक्सपेंस वाला ठीक है ना वेंडर से मत डालना उसको आप प्रमोटर से डाल देना ठीक है ना तो वो चल जाएगा सेमेस्टर वन का रिजल्ट कब तक आएगा आपके एग्जाम स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले आ जाएगा और ऐसा भी हो सकता है जिस दिन एग्जाम चल रहा हो उसके बीच में रिजल्ट आ जाए आपका हाँ जी सर ऑडिटिंग की फर्स्ट लेक्चर आपने फ्री अपलोड बिल्कुल ऑडिटिंग जो है वो आपको सी ए अजय कुमार करवा रहे हैं तो उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है दो लेक्चर इनफैक्ट अपलोड हो चुके हैं उसके पहला चैप्टर खत्म होने वाला है एक लेक्चर कल भी अपलोड हो जाएगा दस से बारह की रिकॉर्डिंग है आज रात को आठ से दस की तो मैं कोशिश करूंगा लाइव ही मैं बोलूँ चले जाए वो पेपर स्टार्ट आपके अठारह मई से हैं सर बुक की फोटो बुक के फोटो दिखा दो भाई ऑनर्स प्रोग्राम दोनों दिखा दो मैं कितनी बार दिखाऊं? ये रही बुक की फ़ोटो और ये है किसका प्रोग्राम का आप ले सकते हो इसके ऊपर एडिशन भी कुछ बच्चे पूछते हैं कौन सा एडिशन है इसमें एडिशन कौन सा है लिखा है इस पर यह बुक थोड़ा हल्का कर दिया ना नहीं वो ऑनर्स वाले दिखाना

और जैसे नॉर्मल होती थी वो चलेगी नाइन टेन इलेवन हाँ क्वेश्चन होमवर्क में नाइन टेन इलेवन आपको होमवर्क में करना है क्लियर है ट्वेल्थीन फोर्टीन सिक्स ट्वेंटी फोर तक आपके क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल चेक कर लो ट्वेंटी फोर तक सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं देखो लास्ट क्वेश्चन कितने हैं मैं भी उसका आपको बताऊंगा किस तरीके से देखना है कितने हैं मैंने ट्वेंटी फोर तक अपलोड किए हैं है कितने क्वेश्चन ये बता दो। एक आध जो नए जुड़े होंगे वो करा देंगे अलग से तो तो ट्वेंटी हाँ तो वो आपको मैं वीडियो हाँ? हाँ तो वो हो जाएंगे एक आध क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं करा दूंगा सर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालना कौन से चैप्टर रिकॉर्डिंग देखनी है कौन सी हाँ वो मैं बता दूंगा अभी तो फिलहाल लाइव देखो अगर आप सी बी सी एस के हो पुराने स्टूडेंट हो तो आपको कॉन्सोडन वाला चैप्टर देखना पड़ेगा पुराने वाले से क्योंकि नए वाले सिलेबस में कॉन्सल्टिलेशन है ही नहीं सिलेबस का पार्ट नहीं है प्रोग्राम की जगह ऑनर्स है तो चल तो जाएगा लेकिन फिर दिक्कत होगी अगर आपने नई बुक खरीदी है तो मैं तो बेटर कहूंगा कि आप चेंज करा लो जाके हो जाएगी चेंज बुक का लिंक आप चैट में जाएंगे ना तो जैसे ही आप चैट के अंदर जाएंगे तो एक तो आपका कम्युनिटी बना हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंट का तो उसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक सबसे ऊपर पिंग है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं डायरेक्टली ट्वेल्थ क्लास की वीडियो अपलोड कर दी है ओल्ड रिकॉर्डेड में जाना वहां सबसे नीचे ट्वेल्थ क्लास की वीडियो डाली हुई है ठीक है